साइबर थाना खुलने के बाद लगातार पुलिस की मुहिम जारी है। साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान देवघर और मधुपुर में साइबर क्राइम से संबंधित 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारों अपराधी विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के बैंकों में रखे पैसे मिनटों में उड़ा लिया करते थे। देवघर पुलिस ने इन साइबर अपराधियों के पास से एक बुलेट मोटरसाइकिल, नकदी, एक LED TV, ATM कार्ड, एक स्कॉर्पियो गाड़ी और कागजात भी बरामद किए हैं। देवघर जिले के अंदर हम लोगों को एक अच्छी उपलब्धि मिली है। साइबर अपराधी कुछ पकड़े गए हैं 3 थानों से, पालाजोरी थाना, मार्गोमुंडा थाना और सारठ थाना, जिसमें से टोटल 4 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। 9 मोबाइल जिनसे मिले हैं, 2 चेकबुक, 28,000 रुपया एवं बुलेट गाड़ी, LED TV, इन्वर्टर, स्कॉर्पियो के कागजात वगैरह हम लोगों को मिले हैं। ये धरपकड़ हम लोगों ने साइबर क्रिमिनल्स के विरुद्ध स्टार्ट कर दी गई है और ये देवघर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। इसके अलावा लगभग 50 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी फ़रार हैं, जो इनके साथी संबंधी हैं, उनके ऊपर भी हम लोग एच ड्राइव करके उनकी धरपकड़ करेंगे। क्या डेफिनेटली इसमें लाभ लगेगा? हम लोग 3 तरीके से इसको एक्टिव करेंगे। एक तो एक्शन जो हम लोग का हिट वाला जो टीम है, जो उसके बाद हम लोग इनको रिहैबिलिटेशन की तरफ भी काम करेंगे। गांव में जा के प्रचार प्रसार करके वहां जाके लोगों को एक गांव को गोद भी लेंगे हम लोग, और रिहैबिलिटेशन इसके अंदर होगा। तो एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इसमें काम करेंगे।